गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और अभी है बहुत सारे काम। सबसे पहले तो कपड़ों का काम होता है, तो आज मौसम भी मिला जुला है, हल्के हल्के बादल हैं और हम लेट ही उठे हैं आज सो के। अभी 8 बज रहे हैं अभी तो। अभी एक लोड में कपड़ों का भी डाल दूँगी, फिर देखते हैं पानी कैसे, क्योंकि बारिश की वजह से पानी जो पाइप्स थी वो टूट चुके हैं पीछे, तो अभी पहले उनको भेजा है पानी चेक करने के लिए टैंक में है या नहीं। होगा तो फिर कपड़े धोएंगे। पानी इतना गंदा आ रहा है, सब पीला पीला कर दिया। रोज़ का है, थोड़ा तो दूध छोड़ता ही है। इसमें ब्रेड डिप किया है इसने। यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। सनिति और सरिष्ठ एग्स नहीं लेते हैं, हम दोनों लेते हैं। तो ये ऑमलेट बना रही हूँ मैं, इसमें डाला है खूब सारा धनिया, प्याज और ग्रीन चिली, थोड़ा सा नमक। और अगर आप इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकें, अभी मेरे पास नहीं थी, मैं डालती हूँ। टमाटर मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, लेकिन मैं जब अपने लिए बनाती हूँ तो मैं खूब सारे टमाटर, शिमला मिर्च और जो भी सब्ज़ी मेरे पास अवेलेबल होती है मैं सब डाल देती हूँ। और ये उनके लिए बन गया है और अपने लिए मैंने ज़रा सा ऑयल डाला है। फ्री हो गए, नहा धो के हम सब फ्री हो गए। सारिश गया है मैथ पढ़ने के लिए अपने समीर भैया के पास, यहाँ पड़ोस में ही आवाज़ आई और ये पाइप बिल्कुल पूरी छूट चुकी है और यहाँ से सारा पानी बाहर जा रहा है। ये कपड़े, ये ढेर अब भी धोया है सारा। और ये आखिरी शिफ्ट, अभी 30 मिनट्स अभी लगेंगे इसको, को जाना है एक रिटायरमेंट पार्टी में। देखते हैं जा पाते हैं या नहीं, मौसम पे डिपेंड करता है। मौसम ठीक रहेगा तभी जाएंगे, अदरवाइज हल्के हल्के बादल आ गए हैं। आजकल कोई भरोसा नहीं है शाम को क्या बारिश होती है या ठीक रहता है। और हमारे लेमन भी आ गए हैं काफ़ी छोटे छोटे। हमारे पड़ोसियों ने भी कपड़े धोए हैं खूब सारे। 11 बजे का टाइम है और मैं ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी हूँ अभी। मैट डाला था धोकर, बाहर ही हो गया। और ये अभी पी है मैंने ग्रीन टी। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते, खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? एलिमेंट्स। अब वो क्या है? आपकी नई नई चॉकलेट गेम, फलाना गेम, पता नहीं क्या क्या। चलो खाना खाओगे? चलो खेलो फिर आप लोग, ठीक है। ब्रेड लेके आए थे ब्रेकफास्ट के लिए और देख सकते हैं कितनी फंगस लगी हुई है इसमें। से स्प्राउट्स हमारे पास ख़त्म है तो अभी मैं इनको नए पैकेट खोलने वाली थी, ये मूंग का और ये चना, लेकिन देखा तो हमारे पास दोनों ही डाले अभी है। फिल कर देते हैं अपना डब्बा जो खाली हो चुका है। और इसमें इसको चने भी भिगो दिए, मूंग दाल भी भिगो दिया है। ये बर्तन धोने का टास्क मिला है सारिष्ठ को, यहाँ बर्तन धोए जा रहे हैं। ठीक से धोना, ठीक है, अच्छे से धोना। क्या क्या? मुझे बहुत काम करवाया जाता है। अच्छा, क्या क्या काम करते हो आप, सच बोलना। बर्तन धोता हूँ और बर्तन धोता हूँ और बर्तन धोता हूँ, जितने आटा गूंथता हूँ और पोछा झाड़ू, पानी की बोतलें भरता। ये शाम की चाय है, मीठी खाखरा के साथ हम खा रहे हैं। यहाँ पे खाने के लिए तैयार हो रहे हैं आप, बड़े खुशबू खुशबू लगा के। सनातनी हम, सनातनी है ये हम अखंड भारत में जाके रहे। अच्छा, एक पार्टी में, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि शायद हम कहीं जा सकते हैं, हमारे बहुत ही नियर एंड डियर हैं वो भी, दीदी उनके हस्बैंड। तो ये हो गए हैं हम तैयार, है मेरा लुक ये छोटा सा और ये पहनी है मैंने। मेरी फैमिली इतनी शाही है कि एक भी कैमरा के सामने नहीं आना चाहते। तो 7:30 हो गया, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है वेन्यू जहाँ हमें जाना है। चाबी ले गए आप? चलो जल्दी करो। तो सानिध्य और उसके पापा कर रहे हैं हमारा वेट। सारिष्ठ आ गया है लॉक करके, इसकी वजह से हम लेट हुए। इसका पता ही नहीं था ये कहाँ गया है।
मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है? क्या अन्याय हुआ आपके साथ? हम तो तैयार हो गए थे, आप ही नहीं आए। वो सानिध्य ये हमारा पंडाल है। यहाँ से विशाल भागवत कल से होने वाला है। कॉलेज ग्राउंड है, बहुत ही अच्छी जगह है। हम लोग वॉक पे भी यहीं आते थे और आप देख सकते हो अभी किस लेवल की तैयारियाँ। कल कलश यात्रा भी है। अब पता नहीं, हम तो वर्किंग है लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे। नमस्ते जी। और ये बहुत विशाल भागवत यहाँ पे होने वाला है। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे पूरे एरिया में जाए, बहुत अच्छा रहे ये, है ना सरेश, है ना? बहुत ही अच्छा लग रहा है ना देखकर। मनी बहन ने क्या मस्त गाड़ी चलाई ना। हाँ, गाड़ियां बहुत पीछे लगी हुई है और इसलिए हमने भी अपने सेफ्टी के लिए गाड़ी थोड़ी पीछे खड़ी कर दी और अब हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है, फाइन। आपको लग नहीं रहा कि ज़्यादा है? पर यह है कि हमारा खाना पच जाएगा। नहीं, इतना वॉक अच्छा रहता है। ये क्या कर, ये है ये वेन्यू। हाँ, और वो देख अभी नहीं, आपको शायद नहीं दिखा पाएंगे हम। गाड़ियाँ वहाँ तक लगी है। सही, रुको, वो हमारा वेन्यू है और ये है रास्ता। तो ये सानिध्य, उसके पापा डॉक्टर साहब है एक, आगे जा रहे हैं और ये है वेन्यू। बहुत ही प्यारा है। तो ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर अभी दिख नहीं रहा है, नदी के किनारे। वेन्यू बहुत अच्छा है ना सरिष्ठ? वेन्यू बहुत अच्छा है। तो हम भी पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। ये है वेन्यू। बहुत ज़्यादा रश है इधर। अरे हमारे बच्चे स्कूल के, उन्हें बहुत ही प्यारा। और ये बिल्डिंग है और सानिध्य। तो हम सब ने डिसाइड किया है कि हम अब डिनर करके वापस चल जाएंगे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। बट आप लोग खाना एंजॉय, हम खा चुके हैं, अब चलते हैं ना। चलो, यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है क्योंकि मुझे मिला मेरा एक पुराना स्टूडेंट। आज बड़े अदब के साथ नाम ले रही हूँ, संजय शर्मा, DSP चंडीगढ़ है। मैं 12th में इनको पढ़ाया था कुछ टाइम के लिए। बट इज़ वेरी डाउन टू अर्थ और जिस तरह से हमें मिले, इतना प्यार, और मतलब हमारी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। हमें विश्वास है कि बहुत ऊँची जगह पर जाएंगे। इतनी छोटी उम्र में ये DSP है आज और बहुत आगे। और ये था पार्टी का वेन्यू जहाँ पे हम गए थे। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत अच्छी लोकेशन थी लेकिन रात है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ इस टाइम पे। और ये मेरी फैमिली चल रही है आगे, ये मेरे दोनों बेटे और अपने पापा के साथ। सानिध्य है, सारिष्ठ है, उनके पापा है। हमने थोड़ी गाड़ी दूर पार्क की थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था तो पार्किंग की समस्या होना लाजमी था। तो यहाँ थोड़ा सा ये रोड था तो हमने खाया भी इतना सारा है तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, इसलिए सोचा थोड़ा वॉक भी हो जाएगा और सफर साइड में हम अपनी गाड़ी भी पार्क कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे मिला मेरा एक एक्स स्टूडेंट, मतलब ही इज़ डाउन टू अर्थ पर्सन, ही इज़ DSP इन चंडीगढ़। और आज मैं बता नहीं सकती मुझे कैसे फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मुझे किसी ने आसमान में उठा के बिठा दिया हो। और अगर सभी बच्चों को मैं यही शिक्षा देना चाहती हूँ कि बेटा ज़िंदगी में कितने ही ऊंचे उठ जाओ, किसी भी ऑफिसर रैंक में चले जाओ, पर डोंट फॉरगेट योर रूट्स,
डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स, डोंट फॉरगेट योर टीचर्स. मैंने तो बल्कि बहुत कम पढ़ाया है उनको, लेकिन जो इज्जत उन्होंने मुझे दी वो मैं बयान नहीं कर सकती. बहुत ही खुशी का पल था मेरे लिए व्हेन ही केम एंड सर, दीदी आपका बहुत अच्छा रोल रहा है मेरी लाइफ में, तो थैंक यू सो मच संजय. आज मैं इस YouTube पे आपको बोलना चाहती हूँ, बेटा आप जैसे हो वैसे ही रहना हमेशा. गॉड ब्लेस यू. आप और ऊंचाइयों को पाओ लाइफ में, बहुत ऊंचे बनो. ये है मेरा ट्रायोज, मेरे ट्राय. और हमने जल्दी से खाना खाया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, तो फिर उनसे मिले, हमने गिफ्ट दी और वापस आ गए. तो आज सानिते ही पूरी पूरे सफ़र में इसी ने ड्राइव किया, आते हुए भी और जाते हुए भी. तो हम ऑलमोस्ट 10 o'clock तक वापस घर पहुंच गए थे. तो ये हमारा नीरवा बाज़ार. अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि नाउ ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. अब भी आराम से कहीं भी गाड़ी ले जा सकता है, ला भी सकता है. तो एक ऑप्शन हमारे पास हो गया है तैयार कि अगर हम खुद नहीं कभी चला पाए तो ये आराम से मिल जाएगा. और मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा था इस टाइम पे, नज़ारा बहुत ही सुंदर. अभी पहुँचे हम बगासन, तो आप देख सकते हो नीरवा वन का नज़ारा है ये सामने. और चांद बहुत ही खूबसूरती के साथ आज चमक रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था पूरा ही व्यू. ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी. और ये है चंदा मामा. और ये पहुंच गए हम अपने नीरवा टू, अपने घर के पास. और ये है सुंदर सा खूबसूरत सा नज़ारा हमारे नीरवा का इस टाइम पे. साढ़े 10 हो गया और हम पहुंच गए वापस अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में, जो अपनी पार्किंग में, क्योंकि हमारे घर के पास आजकल काम चल रहा है तो हम यहीं पे पार्क करते हैं. और आज पूरा सफ़र हमारे गुनी ने ही तय किया. तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग. अपने स्टूडेंट्स से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. तो मैं बाकी बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ, बेटा सक्सेसफुल बनो लेकिन डाउन टू अर्थ रहो. गदगद हो जाते हैं ऐसे बच्चों से मिलकर. तो आज पूरा हमारे सानिध्य ने ही गाड़ी चलाई, लेके भी वापस आया. तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ. तब तक गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.